मतलब मैं वाहिद होंगी अपने खानदान में, पूरे खानदान में मैं वाहिद होंगी जो यूट्यूब पे काम कर रही है, बहुत ज़्यादा है और मुझे आपका साथ चाहिए। बस आपका साथ होगा तो मैं इस चैनल पे कामयाब हो सकूँगी, और आपका साथ नहीं होगा तो मैं बिल्कुल भी कुछ कर ही नहीं सकूँगी एज अ इंडिविजुअल या एज अ गर्ल। तो आपको पूरा करना है जो कि एक जायज़ ख्वाब है, यानी कि अपने पेरेंट्स को घर लेके चलो 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 खेले 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 खेले। माशाल्लाह व्यूअर्स को हाय तो बोल दो। हाय अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा दूध कौन सा है इसमें से? ये वाला। मैं जो है यहाँ पर जूस बनवा रही हूँ अपनी बहन से। मैंने इनको कहा कि क्या नाम है, सेब और केले का जूस बना दो और मुमैमा भी पी लेगी, मैं भी पी लूँगी। तो यहाँ पर जो है वो बना रही हैं, जब बना लेंगी तो इतनी देर में मैं ऊपर जाऊँगी आप लोगों से बात करने। गुड्डू गुड्डू गुड्डी मोये ला टाटा, आपके बगैर जा रही हूँ मैं, टाटा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उम्मीद करती हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे, और मैं उम्मीद करती हूँ और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें ईमान के उस तकाजे पर रखें जहाँ अल्लाह ताला हमें देखना चाहते हैं। आमीन सुमा आमीन। तो मुझे कहना ये था, मतलब मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मेरा चैनल जो है ये किसी ख़ानदान में किसी को पता चलता है या कोई देखता है तो वो क्या, उसका क्या रिएक्शन हो सकता है। तो वही जो है हर एक लड़की यूट्यूबर फेस करती है, तो वही सब कुछ मुझे फेस करना पड़ा है या पड़ेगा इससे ज़्यादा। तो यानी किसी को ये ऑब्जेक्शन होता है कि मैं अपनी लाइफ क्यों दिखा रही हूँ या घर को क्यों दिखा रही हूँ, या मतलब कुछ भी ए टू जेड कुछ भी ऑब्जेक्शन हो सकता है या हो रहा है। तो इसका मकसद ये नहीं है कि मैं ये स्टॉप कर दूँ या फिर छोड़ दूँ, मतलब ऐसा तो होने नहीं लगा, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश करके और बहुत हिम्मत से ये जो चैनल जो है वो अपना मोनेटाइज करवाया है। तो मैं एक रास्ते को जो मेरा मतलब फ्यूचर में हो सके, कभी भी ऐसा नहीं करूँगी इंशाल्लाह। बाकी जो है लोगों का तो काम है बातें करना, बातें बनाना, तो मतलब चाहे रिश्तेदार हो या कोई भी हो, मुझे जो है वो सिर्फ़ अपने लिए पॉजिटिव चीज़ निकालनी है अपने एक अपॉर्चुनिटी से ये जो मुझे मिली है। और ये बात सच है कि एक लड़की मतलब मशरकी लड़की हो या ऐसी फैमिली से बिलोंग रखती हो जहाँ पर कोई यूट्यूब का ना पता हो या कुछ ऐसा ना हो, तो मसले मसाइल तो होंगे, ये तो मेरे जहन में पहले ही था। मगर आपको ये डिफेंड करना है कि आप गलत चीज़ कुछ नहीं कर रहे, और दूसरी ये चीज़ कि आप किसी थर्ड पर्सन को फैमिली में फेस नहीं लेके आ रहे। मतलब ये वो मसले हैं जो हर कोई, हर एक लड़की या हर एक यूट्यूबर को फेस करने पड़ते हैं। तो मैं जो है यही सब कुछ डिस्कस करूँगी आज, जो मुझे जो है वो क्या मसला हो रहा है या मतलब क्या मसले मसाइल हैं। ठीक है, ये आसान नहीं है कि इस दुनिया में चलना और सही तरह से ले कर चलना हर एक चीज़ को, तो मुझे यहाँ तक आने के लिए बहुत मेहनत लगी है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको बेहतर पता है कि ये मैं, मेरा ये चैनल जो है काफ़ी टाइम से है। 8 जून को मैंने बनाया था 2021। तो इतना आसान नहीं होता किसी भी चीज़ को, जाहिर सी बात है हर कोई बोलेगा जब आपको कामयाब होता हुआ कोई देखेगा तो वो तो बोलेगा कि हम कुछ क्यों नहीं कर रहे, हम कुछ क्यों नहीं कर रहे, सामने वाला क्यों कर रहा है। मतलब फैमिलीज़ में ये ज़्यादातर होता है। मतलब मैं वाहिद होंगी अपने ख़ानदान में, पूरे ख़ानदान में मैं वाहिद होंगी जो यूट्यूब पर काम कर रही हूँ इस तरह से, या फिर कटिंग की वीडियोज़ दिखा के या कुछ भी। तो मतलब मैं अपनी बहन भांजी का भी मैं ही बनाती हूँ कॉन्टेंट, या अक्सर जो है वो बाजी बना रही होती है, अब उनको थोड़ा बहुत पता चलता जा रहा है। मतलब ये चीज़ है कि आपको जो है वो अच्छा, आप जो अच्छा कर रहे होगे या कुछ ऐसा कर रहे होगे जो बाकी लोग नहीं कर रहे, तो उसमें ऑब्जेक्शन हो सकता है, सबका होता है, होगा, ये तो मेरे जहन में है पहले से ही।
मगर उसको किस तरह से जो है वो डील करना है, यानी कि आप ये डिफेंड करें खुद को कि आप गलत चीज़ नहीं कर रहे, कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे जिससे नुकसान पहुंच सकता है फैमिली में। और ये भी मसला है कि मतलब इस तरह से हमें दिखाना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए। आपने ये कहना है, या मतलब मैं ये कह रही हूँ, या आप भी ये कह सकते हैं, कर सकते हैं, हम लोग कुछ गलत नहीं कर रहे, अपनी चार दीवारी के अंदर बैठ के कर रहे हैं। और पता है क्या, कटिंग के चैनल से इस चैनल पे आना, व्लॉगिंग के चैनल पे आना मेरे लिए इसलिए मुझे ज़रूरी लगा कि मतलब मुझे बाहर जाके वीडियोस बनाना पड़े, तो ये मुमकिन नहीं है मेरे लिए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जब अगर कभी गई तो मैं ज़रूर शूट करूँगी, तो मुझे स्पेशली जाना ना पड़े इस तरह की जो है वीडियोस बनाने के लिए, कटिंग की वीडियोस के लिए। मुझे अच्छा लगता है कि मैं घर के अंदर ही कोई काम करूँ, और YouTube से मेरा बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है YouTube पे काम करना और हर तरह से जो है सपोर्ट करना, देखना, क्योंकि आपको एक पूरी दुनिया में घूमने का मौका मिल जाता है YouTube के ज़रिए। आप कोई भी चीज़ सर्च करें आपको नज़र आने लग जाएगी, कोई भी चीज़ आप देख, किसी भी चीज़ के बारे में आपको नॉलेज चाहिए YouTube से मिलेगा। ना टीचर की ज़रूरत है, ना किसी और चीज़ की, ना पैसे स्पेंड करने की ज़रूरत है, ना पैसे ज़ाया होने की ज़रूरत है। तो इससे अच्छी और क्या चीज़ चाहिए, जिसके पास नहीं हो एक्स्ट्रा पैसे कहीं वेस्ट करने के, या टाइम ना हो तो वो क्या करें, यूट्यूब पर आए। आई रियली लाइक यूट्यूब एंड आई विल बी देयर इन माई चैनल, आई विल वर्क ऑन माई चैनल इंशाल्लाह। एंड आपका साथ और आपका सपोर्ट चाहिए बस मुझे, और कुछ नहीं। और बातें तो बहुत करने वाली होती हैं, हर लम्हा लम्हा जो है इंसान को बोलने की ज़रूरत पड़ती है, सीखने की ज़रूरत पड़ती है, कुछ ना कुछ सीख रहा होता है। तो बोलने की ज़रूरत तो बहुत है, बताने की भी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, और मुझे आपका साथ चाहिए बस। आपका साथ होगा तो मैं इस चैनल पे कामयाब हो सकूँगी, और आपका साथ नहीं होगा तो मैं बिल्कुल भी कुछ कर ही नहीं सकूँगी एज अ इंडिविजुअल या एज अ गर्ल। तो मुझे अपने सपनों को, अपने ख्वाब को पूरा करना है, जो कि एक जायज़ ख्वाब है, यानी कि अपने पेरेंट्स को घर लेके देना, और हर उस रिश्ते का एहतराम करना जिसकी ज़रूरत है या जिसकी कमी है मेरे लिए, मेरे बहुत ज़्यादा है, और मुझे आपका साथ चाहिए बस। आपका साथ होगा तो मैं इस चैनल पे कामयाब हो सकूँगी, और आपका साथ नहीं होगा तो मैं बिल्कुल भी कुछ कर ही नहीं सकूँगी एज अ इंडिविजुअल या एज अ गर्ल। तो मुझे अपने सपनों को, अपने ख्वाब को पूरा करना है, जो कि एक जायज़ ख्वाब है, यानी कि अपने पेरेंट्स को घर लेके देना, और हर उस रिश्ते का एहतराम करना जिसकी ज़रूरत है या जिसकी कमी है मेरे लिए, मेरे जो है रिश्तों में या फिर किसी भी चीज़ में। यानी ये चीज़ अहमियत रखती है कि आपको कामयाब होना है किसी भी तरह से। तो मैं जो है वो बस ये कोशिश कर रही हूँ, मुझे पता है एतराज़ात तो होने ही होने हैं, हर लम्हा हर लिहाज से होने ही होने। तो मैं हर वक्त स्क्रॉल कर रही होती हूँ, देख रही होती हूँ यूट्यूब पे किस तरह से कामयाबी मिलेगी, किस तरह से क्या हो सकता है। तो मेरे लिए, मुझे ये लगता है कि इस वक्त व्लॉगिंग बेस्ट ऑप्शन है, इसलिए मैं अवेल कर रही हूँ। मुझसे जो भी है ये कहेगा या कह रहा है कि तुम व्लॉग ही क्यों बना रही हो, तो इसमें सिर्फ एक ही बात है, मैं एक ही बात कहूँगी कि ये मेरे वक्त और मेरी हर एक चीज़ के मुताबिक चल रहा है। यानी मुझे मतलब कहीं पाबंद नहीं होना पड़ेगा कि अगर टेक्निकल कोई चैनल बनाती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा बहुत तो इल्म हो ही चुका है टेक्निकल चीज़ों का, थोड़ा बहुत तो इल्म हो ही चुका है, मतलब काफ़ी ज़्यादा कह लें कि इल्म हो ही चुका है। तो मैं जो है लोगों को सपोर्ट कर सकूँ, लोगों को बता सकूँ कि जो है वो यूट्यूब पे मसले आ जाए तो किस तरह से हल करने हैं, या कर सकते हैं हम लोग किस तरह से हल। तो YouTube पे काम करने के बहुत सारे तरीके या बहुत सारे सोर्सेस हो सकते हैं, मगर मुझे जो है ये व्लॉगिंग बेस्ट ऑप्शन लग रहा है। वो उसकी रीज़न सिर्फ यही है कि मैं आसानी से ये एक्सेस कर पाती हूँ, आसानी से एडिट कर पाती हूँ। आपने देखा होगा कि ये बहुत ज़्यादा एडिटिंग नहीं है मेरे चैनल पे, और जो मेरे व्यूवर्स होंगे उनको देखना होगा
तो वो तो कुछ भी देख लेंगे अच्छा से अच्छा, मगर ये चैनल तो कटिंग का ही है तो मुझसे रिलेटेड है, मैंने कोई परचेज नहीं किया हुआ या मेरा कोई वो चैनल नहीं है, ये मेरा अपना जाती चैनल है जिसपे मैंने मेहनत की हुई है हर दिन। तो मुझे अच्छा लगेगा कि मेरा व्लॉगिंग चैनल जो है वो चले, इससे बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। मेरा तो यही ख्वाब, मुझे तो यही लगता है कि मेरा ख्वाब जो है इस चैनल से ही जो है वो पूरा हो सकता है इंशाल्लाह। बाकी जो है वो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं हमारे बारे में, और जो भी अल्लाह ताला करे वो बेस्ट ही होगा हमारे लिए। तो मुझे यही कोशिश करनी है कि मैं आगे बढ़ूँ। लोगों का काम तो बातें करना ही है कि इनके घर में ये हो रहा है, इनके घर में वो हो रहा है, या मैं क्या कर रही हूँ। तो मतलब ये ना मुझे फ़र्क पड़ना चाहिए ना आप लोगों को, और ये मसले मसाइल तो होने ही हैं। और आपने ये आपने साथ देना है, आपने सपोर्ट देना है, उसके बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है मेरे लिए, कुछ भी मुमकिन नहीं। अगर मैं अभी भी जो कुछ हूँ वो आप सबकी वजह से, और मैं आइंदा जो भी कुछ हूँगी वो भी सिर्फ आप लोगों की वजह से। और मैं इसलिए दुआ करती हूँ कि जो भी मैं मुझे सपोर्ट करे या नहीं भी करे, अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे और ईमान के उस तकाजे पर रखें अल्लाह ताला जहाँ हमें देखना चाहते हैं। आमीन सुमा आमीन। हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये जूस बनाए के लिए, जूस बन के था हाँ? जूस पिएगी पहली बार है ना मेमा? माशाल्लाह लो लड़ाकू बच्चू, मेरी लड़ाकू बच्चू, ओए लो ये लो, यही ससुराल वालों का यही होता है, मार दो बस। अपनी बेटी को बेटी के बच्चों के पीछे जान देती है, वो भी तो तेरी औलाद है। हाँ तो ये हम लोग के पास क्यों उसके शोर खाने को नहीं देता? तेरा बिनोई कैसा है? ये है जी हमारा शेख। कुछ ऐसे हैं कि उमैमा और मैं जाग रहे हैं और बाकी सब सो रहे हैं, सब सो रहे हैं ना उमैमा, क्या करे किया जाए। नहीं मोबाइल छोड़ दो, अरे मोबाइल छोड़ दो मैमा, मोबाइल छोड़ दो, चोनू 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 मैमा क्या किया जाए बताओ। चलो खेले खेले, चलो 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 खेले 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 खेले। माशाल्लाह व्यूअर्स को हाय तो बोल दो, हाय अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम कह दो। माशाल्लाह खड़ी होने लग गई।